हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीपी करप्शन एंड ओवर बिलिंग के ऊपर बनाई है। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सीएम हेल्पलाइन के ऊपर बना रहा हूँ कि एमपी के सीएम मिस्टर शिवराज सिंह जी चौहान ने एक बहुत ही अच्छी सर्विस चालू करी है सीएम हेल्पलाइन, जिसका टोल फ्री नंबर है 181। इसमें आप कभी भी कहीं भी अपने मोबाइल से, टेलीफोन से, किसी से भी आप इसमें कॉल करके कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि प्रशासनिक स्तर पर या जो गवर्नमेंट के जितने भी कार्यालय होते हैं जहाँ पर सही तरीके से काम नहीं हो रहा है उसकी शिकायत आप वहाँ पर कर सकते हैं। इसमें और बहुत लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, बहुत सारे विभागों में इसका फ़ायदा हुआ है। लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि विद्युत मंडल, जो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MPB है, इसकी शिकायत आप भूल करके भी सीएम हेल्पलाइन में ना करें, क्योंकि अगर आप सीएम हेल्पलाइन में इसकी कंप्लेंट करते हैं तो आपको जो समस्या है उस समस्या के निराकरण के लिए उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा जिसकी वजह से आपको ये समस्या हो रही है। जैसे कि अगर आपका जो जोन जो भी लगता है आपके एरिया का, आप जैसे सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट करेंगे तो सीएम हेल्पलाइन से एक रिपोर्ट आएगी जो आपके जोन पर, वहाँ पर उनसे ये पूछा जाएगा कि आपके एक कंज्यूमर ने ये कंप्लेंट करी है और इसमें क्या समस्या है। ये लोग क्या करते हैं, उस समस्या में उनकी गलती होती है जिसमें कि मीटर रीडर जो कि रीडिंग नहीं लेता, जिससे रीडिंग इकट्ठी हो जाती है, या इस तरह की और कोई समस्या जिसमें रीडिंग में हो रही गड़बड़ी की वजह से उपभोक्ता को बड़े बड़े अमाउंट का बिल आते हैं, तो उसको छुपाने के लिए वहीं के जो AE और JE और जितने भी जो बड़े अधिकारी होते हैं वो अब छोटे कर्मचारियों को, जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, उनको जाँच के लिए पहुँचाते हैं, जिसमें गलती उन्हीं लोगों की होती है और वो अपनी गलती छुपाने के लिए आपके घर का लोड ज़्यादा बताते हैं। लोड ज़्यादा बताने का कारण ये होता है कि नॉर्मली घरेलू जो बिजली के कनेक्शन होते हैं उनके अंदर 1 किलोवाट या 2 किलोवाट तक का लोड होता है, और ये लोग क्या करते हैं, जब लोड चेक करने आते हैं तो गलत तरीके से लोड की रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे कि आपके घर में हर चीज़ का लोड टोटल A to Z, जिन चीज़ों का आप कभी यूज़ भी नहीं करते हैं ये उन चीज़ों का भी लोड बना करके लेकर के जाते हैं, जिससे कि आपका बिजली के बिल पे मतलब जिसमें आपका वाट की जो रिपोर्ट बनाते हैं वो लोड ज़्यादा होता है। उससे होता यह है कि इन लोगों को एक बहाना मिल जाता है कि इस उपभोक्ता के यहाँ पर जो है लोड ज़्यादा है, वॉट का मतलब जो रिपोर्ट बनाते हैं उस लोड को ज़्यादा होने की वजह से कंज्यूमर के यहाँ बिल ज़्यादा है, ये लोग ऐसी रिपोर्ट बताते हैं और अपना पल्ला उससे झाड़ लेते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब मीटर रीडर साल 2 साल तक ठीक तरीके से रीडिंग नहीं लेता है और जब किसी दिन गलती से ये लोग रीडिंग सही रीडिंग नोट करके लेकर के जाते हैं, तो उस दिन क्या होता है कि आपके जो साल 2 साल तक जो इन्होंने मक्कारी करी थी तो उसका खामियाजा आपको इकट्ठा भुगतना पड़ता है, और ये एक नॉर्मल सा डिस्काउंट देकर के अपनी गलती से पल्ला झाड़ते हैं कि हमसे जो गलती हुई थी उसके लिए हमने उपभोक्ता को इतना डिस्काउंट दे दिया है। अगर मान लीजिए आपके घर पर 50,000 रुपये का बिल आया है और ये लोग आपको 5,000 का डिस्काउंट देते हैं तो बचते हैं आपके पास बिल में 45,000 रुपये। अब उसको ये बोलते हैं कि आप इसको 3 किस्तों में भर दीजिए या 4 किस्तों में भर दीजिए, जो कि इसमें होता ही है कि इनने अपना काम साल 2 साल 3 साल काम नहीं किया और उस वजह से हमें इतनी रीडिंग आती है। अब इतनी बड़े अमाउंट को पे करने के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली के बस की बात नहीं है कि वो इतने बड़े अमाउंट के बिल भरें। अगर ये लोग बोलते हैं कि आप 3 किस्तों में भरिए तो 45,000 को अगर आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 1 महीने की आपको 15,000 रुपये की EMI इनकी किस्त बनती है, और उसमें आपके चालू महीने का 1,000, 1,500, 2,000 मिला लें तो आप 17-18 हज़ार रुपये आपको एक ही महीने में पे करना पड़ेगा, जो कि एक मध्यम वर्ग के लिए किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि वो इतना बिल भरे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह की कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप सबसे पहले एक लिखित आवेदन जोन के AE को दें, और वहाँ से आप एक इसकी एक कॉपी साथ में लेकर के जाएं, उसमें आप रिसिप्ट लेकर के आएँ, वहाँ के AE या JE जिसको भी आप रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं उनसे उनके सिग्नेचर करके आएँ और वहाँ पर तारीख लिखवाएँ कि जिस तारीख को आप जमा करें, और उनसे ये पूछें कि आप इसका निराकरण हमें कब तक करेंगे। उनसे एक थोड़ा सा टाइम लीजिए, जैसे 5 दिन 7 दिन जितना भी वो, जहाँ तक है 7 दिन मैक्सिमम है, इतना टाइम आपको वो दें। अगर इतने टाइम में आप नहीं करते हैं तो सीधे आप कंज्यूमर फोरम में जाइए, क्योंकि कंज्यूमर फोरम ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर इस तरह की समस्याओं का सही तरीके से निवारण किया जाता है। मैं भी कम से कम 5 से 6 महीने इसमें बहुत परेशान हुआ था, तब जाकर के मैं फाइनली, मेरे पास लास्ट एक ही ऑप्शन बचा था, मैं उपभोक्ता फोरम में गया। उपभोक्ता फोरम के अंदर मैं गया, वहाँ पर एक नॉर्मल से कोई भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, वहाँ कोई एडवोकेट वकील मतलब इस तरह से आपको कोई हायर नहीं करना होता है, एक नॉर्मल से आप एक सिंपल पेज पर वहाँ पर कंप्लेंट लिख करके दे सकते हैं, और वहाँ पर बहुत सपोर्टेबल लोग होते हैं, वहाँ पर जो काम करने वाले होते हैं उपभोक्ता फोरम में, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं और वहीं पर आपका सही तरीके से इसका निवारण होगा।
होगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जोन पे बार बार चक्कर लगाने से आपको कोई निराकरण नहीं मिलेगा। अगर आपका एक या दो बार में जोन से निराकरण नहीं होता है तो तुरंत आप उपभोक्ता फोरम में जाइए, वहीं पर आपकी प्रॉब्लम का सही तरीके से सॉल्यूशन होगा। मिस्टर शिवराज सिंह जी चौहान से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी सीएम हेल्पलाइन में जो विद्युत मंडल का डिपार्टमेंट है, जो जितनी भी इनकी कंप्लेंट को हैंडल करता है, आप उसका विद्युत मंडल के कर्मचारियों के पास उसकी जांच नहीं आना चाहिए। ये आपका खुद का डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो सीएम हेल्पलाइन जो मैनेज करते हैं ये उनसे रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि विद्युत मंडल की जितनी भी जो कंप्लेंटें आती हैं वो संबंधित जोन में जाती हैं और वहाँ से वहीं के अधिकारी और वहीं के कर्मचारी मिलकर मिली भगत से अपनी गलती छुपाते हुए उपभोक्ता को ही गलत बताते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि इसमें होता यह है कि उपभोक्ता के हाथ में कुछ नहीं होता, वो अपने केस की जांच कैसे कर सकता है, क्योंकि सब रिपोर्ट बना करके जब लेकर के जाते हैं तो उपभोक्ता को दिखाया नहीं जाता, उसे सिर्फ साइन करा करके लेके जाते हैं और लोगों को इतनी समझ नहीं होती है कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो मैं शिवराज सिंह चौहान जी से अपील करूँगा कि आप विद्युत मंडल की जो शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर आती है उसके लिए एक अलग से हेल्प डेस्क बनाइए, जिसमें कि आपके खुद जो सीएम हेल्पलाइन के एक अलग से आप वहाँ पर उनकी टीम बनाइए, क्योंकि विद्युत मंडल के कर्मचारी अपने मिली भगत से इसको बंद कर देते हैं। तो इसमें कहीं भी मेरे हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे पास जितने अभी तक जो लोगों की समस्याओं के बिल जो कंप्लेंट जो आई हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने इतना सीख लिया है कि अगर आप सीएम हेल्पलाइन में इसकी कंप्लेंट अगर कोई करता है तो उसका कभी भी उस बंदे को 100% सही निराकरण नहीं मिल सकता, किसी भी कंडीशन में ये लोग करते नहीं हैं। मेरी बनाई हुई वीडियो से अगर आपको किसी भी तरह का कोई फ़ायदा हुआ हो, या ऐसा कोई बंदा हो जो जिसको मेरी वीडियो देखने के बाद उसकी किसी भी तरह से कोई मदद हुई हो, तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में जागरूक करना है, क्योंकि जैसी प्रॉब्लम मुझे हुई है ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। तो प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।